इंस्टाग्राम पे बूस्ट पोस्ट या फिर बूस्ट रील क्या होता है और उसे कैसे करते हैं वही अपन आज की वीडियो में जानने वाले हैं। बस आपको ना क्या करना है, वीडियो में एंड तक बने रहना। अब आपको ना अपने अकाउंट को ओपन कर लेना है, फिर आपको उस पोस्ट को या फिर रील को सिलेक्ट कर लेना है जिसे आपको बूस्ट करना है। जैसे कि मैं इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको बूस्ट पोस्ट लिखा हुआ आ रहा होगा यहाँ पे वीडियो के नीचे, सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है। तो जब तक ये लोडिंग हो रही है अपने प्यारे प्यारे हाथों से इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जैसे आप इस पर टैप करोगे आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, प्रोफाइल, वेबसाइट या फिर मैसेज। मतलब कि आप क्या चाहते हो, कि आपके प्रोफाइल पे और ज़्यादा लोग आएँ, आपकी वेबसाइट पे और ज़्यादा लोग आएँ या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको मैसेज करें। तो आपको इनमें से एक चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को ना फॉलोअर्स को गेन करना है। अब आपको ना सिंपली नेक्स्ट पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको अपनी ऑडियंस को चूज़ करना रहता है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, सजेस्टेड ऑडियंस और क्रिएट योर ओन। मतलब कि स्पेशल रिक्वायरमेंट तो अपने कोई काम की नहीं है, ज़्यादातर इलेक्शन वगैरह पॉलिटिशियंस जो रहते हैं उन लोग के लिए रहती है, पर अपन को ऐसा कोई ऐड नहीं लगाना है। अगर आपको लगाना तो वहाँ आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सजेस्टेड ऑडियंस वाला है ना, अगर आप इसे सिलेक्ट करोगे ना तो आपकी वीडियो ऐसे लोगों के पास पहुँचेगी जो आपको ऑलरेडी फॉलो करते हैं, वैसी ऑडियंस आपको मिलेगी। पर अगर आपको खुद की ऑडियंस क्रिएट करनी है, जैसे कि मैं इस पर टैप कर देता हूँ, अब आपको ना यहाँ पर सबसे पहले अपनी ऑडियंस का नाम डाल देना है। ये कुछ भी डाल सकते हो, इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि मैंने इंडिया ऐसे डाल दिया। अब आपको सबसे पहला जो ऑप्शन आता है ना वो आता है लोकेशंस का। तो यहाँ पे लोकेशंस में आपको सिंपली भाई उस लोकेशन को ऐड कर देना जिस लोकेशन की ऑडियंस आपको चाहिए। जैसे कि मैं इंडिया लिख देता हूँ। अब ये मैंने इंडिया सेलेक्ट कर ली। अब देख सकते हो कि रीच अच्छी खासी जा रही है, 393 मिलियन तक जा रही है। अब आप जब लोकल में भी आओगे ना, ये लोकल वाला है ना, ये उन लोग के लिए ज़्यादा सही रहेगा जिन्हें जैसे कि कोई शॉप वगैरह को ओपन करा है। तो आप ये चाहोगे ना कि आपके पास आसपास के लोग ही आएँ, क्योंकि देखो भाई कोई शॉप वगैरह पे कोई ज़्यादा दूर से तो नहीं आएगा आपके पास, तो आसपास के लोग ही आ सकते हैं। तो अगर आप ऐसे लोग को ऐड दिखाना चाहते हो तो उसके लिए आप ऐसे योर करेंट लोकेशन को सिलेक्ट करके रेडियस को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे 30 किलोमीटर तक आप रेडियस को सिलेक्ट करोगे ना तो उतने लोग को ही आपका ऐड शो होगा। तो अभी लोकल वाले को भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर मेरे को ये नहीं करना तो मैं बैक आ जाता हूँ। भाई लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको डन पे टैप कर देना है। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है वो आता है इंटरेस्ट। सिंपली आपको इंटरेस्ट पे टैप करना है और इंटरेस्ट में क्या लिखना है कि आपका कंटेंट किस चीज़ से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल आपका म्यूज़िक से रिलेटेड है तो आपको यहाँ पर म्यूज़िक डाल देना है। अब यहाँ पर म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया आपने लगा दिया तो आपकी रीच थोड़ी बहुत गिरेगी, वो तो होता ही है भाई। आप चीज़ जितनी चीज़ों को जितना ज़्यादा स्पेसिफिक जाओगे ना किसी टॉपिक पे उतनी रीच थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। अब जैसे कि मैं इसे हटाता हूँ, अब मैं यहाँ पर डालता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो अच्छी खासी रीच जा रही है, तो मैं इसी टॉपिक को सिलेक्ट करके डन पे टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगला आता है एज एंड जेंडर। तो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ लड़कों को ही दिखाना है या सिर्फ लड़कियों को ही दिखाना है तो आप वैसा भी स्पेसिफिक कर सकते हो, और मैंने दोनों को सिलेक्ट कर रखा है। अब आप एज को भी एक ग्रुप तक कर सकते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि नहीं यार ज़्यादा छोटे बच्चे ना देखें या फिर ज़्यादा ग्रोथ वाले भी ना देखें, तो आप 18 से 24 भी कर सकते हो। या फिर आप भाई, मैं तो ये कहूँगा कि 18 से लेकर आप 60 तक कर देना, फिर पूरा 65 तक ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और आप डन पे टैप कर देना। अब ये सब करने के बाद आपको फिर से डन पे टैप कर देना है। अब अपना जो ऑडियंस वाला था ना भाई, फाइनली वो हो चुका है सिलेक्ट। अब आपको नेक्स्ट पे टैप कर देना है। अब इसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो होती है भाई बजट एंड ड्यूरेशन। मतलब कि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो और आपको कब तक का ऐड चलाना है, कितने दिनों तक का चलाना है। तो जैसे कि मैं सबसे कम शॉर्ट रख के देखता हूँ, 84 रुपीज़ में डेली का खर्च करना चाहता हूँ। और ड्यूरेशन में जैसे कि आप टैप करोगे ना तो यहाँ पे 6 दिन 7 दिन आपको जितने तक का भी करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 7 दिन का मैंने कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा जो बजट जा रहा है वो जा रहा है 588 रुपीज़ मेरे टोटल खर्च हो रहे हैं 7 दिनों में, और जो मेरी रीच जा रही है टोटल वो जा रही है 8300 से लेकर 22000 तक। तो ऐसे यहाँ पे अपने बजट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। रिकमेंड ये करूँगा कि सिर्फ एक दिन का ऐड मत चलाना, कम से कम एक वीक का ऐड चलाना, और बजट आप अपने हिसाब से देख लेना जितना आप भाई अफोर्ड कर सकते हो। फिर उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे टाइप कर देना है। अब जो अगली चीज़ आती है वो आती है रिव्यू। अब आप यहाँ पे रिव्यू कर लेना है कि आपने जो जो चीज़ें लगाई हैं वो सही लगाई हैं या फिर नहीं लगाई, कहीं कोई चीज़ आपने मिस्टेक वगैरह तो नहीं कर दी। यहाँ से एक बार रिव्यू मार लेना। अब यहाँ पे जब आप देखोगे ना, बोलोगे भाई ये यहाँ पे GST कहाँ से लग गया, 693 कैसे हो गया। तो देखो भाई, आप जो ऐड चला रहे हो ना उस पर 18% GST लगता है, तो वो GST ऐड करके ही आपका अमाउंट आ रहा है, तो आपको ये पे
करना पड़ेगा। अब भाई मैं पेमेंट कैसे कर सकता हूँ? यहाँ पे आप जब पेमेंट मेथड में जाओगे ना, तो यहाँ पे अपने पेमेंट मेथड को ऐड कर सकते हो। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग। तो भाई इजीली आप भाई स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो, अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट करोगे ना तो आप नंबर वगैरह डाल देना, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी मालूम है, मेरे को आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने क्राइटेरिया को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना। फिर ये सब करने का जैसे आप बूस्ट पोस्ट पे टैप करोगे ना, 24 आवर्स के अंदर अंदर इंस्टाग्राम आपके ऐड को एक बार रिव्यू कर लेगा। तो अगर आपका ऐड कोई भी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस या फिर एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज को वायलेट नहीं करता है ना, तो आपकी जो पोस्ट या फिर रील है ना, उसका जो बूस्ट होना है ना, मतलब आपने जो ऐड लगाया वो स्टार्ट हो जाएगा। होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट आ रहा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।